अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CPC न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद ज़की। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। SSP पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला रीजन मोहम्मद वसीम डार और DSP पेट्रोलिंग पुलिस हाफिजाबाद कमर मुमताज़ लोधरा की खसूसी हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस बाईपास पिंडी भट्टियाँ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सकलैन भट्टी ने अपनी टीम के हमराह जरायम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैटरी चोर को गिरफ्तार कर लिया। करोला कार को मशकूक जानकार तलाशी लेने लगे तो ड्राइवर ने कार दौड़ा दी, जिसका तआक़ुब करने पर फैसल वल मोहम्मद सैन साकन शेखपुरा को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजम ने बताया कि इलाका भर से बैटरियां अरसा दराज से चोरी कर रहे हैं। पेट्रोलिंग पुलिस बाईपास ने मुलजम को थाना सदर पिंडी भट्टियाँ के हवाले कर दिया, जहां पर मुलजम के खिलाफ मुकदमा का अंदराज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। शानदार कारकर्दगी पर SSP पेट्रोलिंग पुलिस और DSP पेट्रोलिंग पुलिस ने हौसला अफजाई की। पिंडी भट्टियाँ शहर भर में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी खौफ और आस में मुबतला। पिंडी भट्टियाँ के यकूब क्लिनिक एंड फार्मेसी को रात चोर ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। CPC न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर रात के अंधेरे में ताले तोड़कर 4,40,000 रुपये लूटकर फरार हो गया। आए रोज़ शहर भर में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशानी में मुबतला। जबकि शहरियों ने DPO हाफिजाबाद से मुतालबा करते हुए कहा कि शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए CPC न्यूज़।